मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी नंबर डायल किए चालू किए थे 1076 हाँ, उसपे 42 बार हमने 9 महीने से 42 बार कॉल किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों कभी कभी ऐसा मुद्दा आता है जहाँ हम पहुँच तो नहीं पाते हैं, लेकिन इसका मुद्दा हम सोशल मीडिया के जरिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको मीडिया के जरिए दिखाया जाए। मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जहाँ आप सभी को पता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जब सत्ता में बैठे तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश का विकास पूरे जोर शोर से होगा, जहां रास्ता नहीं होगा वहां रास्ता दिया जाएगा, जहां शौचालय नहीं होगा वहां शौचालय दिया जाएगा, जहां आवास नहीं होगा वहां आवास दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज की, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। मुख्यमंत्री महोदय जब आए तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया, क्योंकि उनको विकास की ज़रूरत थी। वो नहीं चाहते थे कि जो पुराना नाम पहले था अब इस बार भी उसी नाम से काम चलाया जाए। मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जो प्रयागराज के संसार पूरे गांव है। उस गांव की स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है मानो कोई ही वहाँ पे पहुँच पाए। बहुत समय से लोग वहाँ रहते हैं मगर आज तक वहाँ पे रास्ता नहीं मिला, ना तो किसी को रास्ता है ना तो वहाँ पे कोई जा सकता है। दोस्तों आपको मैं सारी चीज़ें बता दूं, एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार कोशिश करते रहे कि मैं यहाँ का रोज रास्ता किसी तरह निकलवा सकूं, मगर वो हमेशा हार मानने जाएगा और हार मानने के बाद आज हमारे चैनल के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं। भैया जी नमस्ते, क्या नाम भैया? मेरा नाम आसीम था, ग्राम सभा संसारपुर मोहल्ला साई बस्ती। अच्छा, मोहल्ला साई बस्ती है जी सर। अच्छा, क्या दिक्कत है वहाँ का? दिक्कत सर ये है कि आज बरसों से हमारे पुरजगों ने यहाँ रहते थे, जबकि प्रधानों से कई बार अपील और मेहनत किया गया कि सर जो एक कागजाती चक्रोट है, चक्रोट नंबर 7 है, वो साई बस्ती के नाले से लेकर सहेबीपुर रामजीत पटेल के घर तक गया है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया कि सर इसके खरंजा बिछवा दीजिए, वो 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर के लगभग में है चक्रोट, वो ही इस पे कार्रवाई किए, न इसपे कोई खरंजा बिछाए न उसपे कोई मट्टी डलाए। हम लोगों की बहन बेटी के शादी ब्याह आने जाने में होने में कोई रिश्तेदार करने को तैयार नहीं होते। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है न कोई साधन जा सकता, जिसके कारण से उसी सामने एक नाला है, साई बस्ती के सामने जो नाला है। अच्छा अच्छा, उस नाले से उस पार में रमेश समार के घर है, उस घर से नाले से रमेश समार के घर होते हुए अच्छा, अच्छा। मोहली बाजार की जो कब्रस्तान है उस कब्रस्तान से बगल से रास्ता चक्रोट है। अच्छा अच्छा, उसको खाली कराने में और खरंजा बिछवाने में हम लोग विधायक से दरखास्त एप्लीकेशन तीन बार दिए। विधायक वादा किए थे चलो हम आएंगे देखेंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। 18/3/2019 के दिए थे, फिर 1/1/2020 में दिए थे दरखास्त, और SDM को तहसील दिवस कई बार दिया गया, उसके कोई सुनवाई नहीं। फिर गिलवान होकर जान घबराने लगा तो फिर डीएम के पास दिए 23/3/26/3/2021 को। उसके डीएम साहब बोले कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप लोग विधायक दीजिए संसद को दीजिए तब होगा। फिर वहाँ से जब हम लोग निराश हो गए तो फिर हमने जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी नंबर डायल किए चालू किए थे 1076 हाँ, उसपे 42 बार हमने 9 महीने से 42 बार कॉल किए। उनके अधिकारी बोलते हैं कि आपकी शिकायत दर्ज की जाए, इसको लंबी समय से रखा गया है। किसको अधिकारी को बोल देते हैं, वहाँ पर अभी तक कोई देखने नहीं गया। मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी लिए एक डायल नंबर लाट किया हुआ था 1076, और 1076 पर इन्होंने 42 बार 9 महीने में फ़ोन किया। बस वहाँ पर जब भी फ़ोन करते हैं तो ये होता है कि रजिस्टर पर नोट किया जाए बस। अच्छा ये बताइए, रजिस्टर पर नोट होता है केवल और कुछ नहीं होता है सर?
उसके बावजूद न वहाँ बस्ती वालों को न तो कोई आवास दिया गया, न कोई शौचालय दिया गया है। उस बस्ती वाले बार बार बोल रहे हैं कि हमारे मोदी जी का जो अच्छे दिन का नारा था वो हम लोगों के लिए कब देखने को मिलेगा, हम लोगों के लिए कब मिलेगा वो अच्छे दिन। अच्छा अच्छा। तो इसके कारण हम लोग घबरा कर एकदम निराश होकर तब मीडिया को सहारा लेना पड़ रहा है कि कम से कम हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। जी या पुलियों के कारण सर मरीज मर जाते हैं लेकिन डॉक्टरी नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, वहाँ पे पुलिया है, पुलिया डाली गई है, पुलिया बनी बनवाने के लिए परिश्रम करे क्योंकि नाला है, मतलब कि बरखा में हमेशा छाती से ऊपर पानी चलता है जो कि जब लंबी बरसात हो जाती है तो करीब वो 100 मीटर का चौड़ाई में उसका जो मतलब पानी का धारा चलता है। जी जी जी। तो हमेशा के लिए बच्चों के लिए कंधे पर बैठा के ले जाते हैं, नहीं तो जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और जब मरीज अच्छे या डिलीवरी हो जाती है कोई ज्यादा मरीज सीरियस है तो उसको घर ही पे रखा जाता है, न तो कोई इधर उधर। अब मौली उस नाले से 2 किलोमीटर दक्षिण जाए तब हम लोग रोड पर पहुंचे या 2 किलोमीटर उत्तर जाए तब रोड पर पहुंचे, इसके बीच में इसके चारों तरफ से कोई रास्ता गुंजाइश नहीं है। मतलब चारों तरफ से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नाला बहुत बड़ा है और नाले में अभी आज तक कोई पुलिया भी नहीं पड़ी है। नहीं सर, नहीं। दोस्तों देखिए दिक्कतें यही होती हैं, जिस रास्ते में बहन बेटियों को स्कूल जाना हो, जिस रास्ते से औरतों की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना हो, जिस रास्ते से बरसात के लिए अभी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, उसी रास्ते पर ये लोग सब्जी लाने के लिए ही नहीं बल्कि जितना भी कार्य होता है ये लोग सब ये सारा काम उसी रास्ते पर होकर के जाते हैं, लेकिन आज तक ना तो वहाँ के डीएम सुने, ना तो विधायक सुने और ना ही कभी प्रधान जी ने इस पर संज्ञान लिया। रीज़न क्या होती है, लोग कहते हैं कि विकास बहुत होता है, विकास तो हर जगह होता है लेकिन उसी जगह होता है जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय और प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आना चाहिए। अभी जिस जगह आना होगा उस जगह का रास्ता इतना साफ कर दिया जाएगा, इतना ही नहीं जो गड्ढा होगा ना इस तरह से बना देंगे लोग कि लगेगा जैसे सोने की थाली है, पर कभी संसारपुर के लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है क्योंकि भैया संसारपुर में कम से कम नाला का जो ढकने के लिए एक पाइप डाल दिया जाएगा और मिट्टी डाल दी जाएगी, खड़ंजा लगा दिया जाएगा तो कम से कम लोगों का आना जाना सुरक्षित हो सके, लेकिन नहीं करेंगे लोग क्यों कि उनके कानों में कभी इसकी आवाज़ जाती नहीं, और जाती है तो ये 1076 नंबर पर क्यों नंबर जिन्होंने कहा है कि 9 महीने में 42 बार इन्होंने फ़ोन किया लेकिन 42 बार में अभी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बस ये हो गया, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आपका नाम आपका जो है कि सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। भैया किस लिए कलेक्ट कर रहे हो आप, किस लिए? हम कह रहे हैं अगर आए दिन महीना भी ना हो, किसी को डिलीवरी के लिए जाना हो और डिलीवरी रास्ते में होने की वजह से कहीं उस पेशेंट की मृत्यु हो जाए, बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उस समय कौन देखेगा, उस समय कौन जानेगा? मगर नहीं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के डीएम साहब और पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी अधिकारी हैं एक बार इसको ले लीजिए, देख लीजिए, और वहाँ के मुखिया जी अगर आप भी इस समय गांव का निर्वहन कर रहे हैं, गांव का में सत्ता जमाए बैठे हैं तो कम से कम एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम उस रास्ते पर जा कर के सही से कम उसको देख लीजिए कि क्या क्या स्थिति है और फिर एप्लीकेशन डाल के पीडब्ल्यूडी के पास जाइए। मैं इसीलिए वीडियो कर रहा हूँ। और भी और कोई दिक्कत है भैया आपकी? अभी और दिक्कत सर यही है कि हम लोगों में आसमीन शाह ग्राम सभा संसारपुर साई बस्ती से ये निवेदन करते हैं कि हमारे अधिकारी महोदय से कि कम से कम हमारी दरखास्त जो पड़ी है उस पे ध्यान देकर इस बस्ती वालों को हालात तो देख ही जाए, उसके बाद उनकी जो विचार होगा वो करें, कम से कम हालात तो देख जाए। जी जी जरूर सर, आपकी वीडियो में चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए इस वीडियो को, जहाँ तक हो सकता है मैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करूँगा।
वीडियो बनाने का दोस्तों यही है कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चल सके कि संसारपुर भी एक ऐसा गांव है जहां पे लोग एक छोटी सी पुलिया के लिए परेशान है, ना 10-76 पे कोई काम हो पाता है, ना कोई कार्रवाई की पाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।